हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, हाथ का दर्द काफ़ी ठीक है और प्लस्टर है। प्लस्टर तो आप लोग को मालूम ही है कि जब इसका टाइम होगा तभी कटेगा, वैसे कटेगा नहीं। और 15 दिन बाद कटेगा, उसके बाद देखते हैं। मतलब अगर उंगली जुड़ी रहेगी तो कट जाएगा, नहीं उंगली जुड़ी रहेगी तो फिर उसको देखा जाएगा कि जो घाव मतलब कटा है तो पका है, पकेगा कि नहीं पक रहा है, फिर उस हिसाब से दोबारा से प्लास्टर होगा। और नहीं मना नहीं रही हूँ, मतलब बता रही हूँ। तो कल तो रक्षाबंधन है, आप लोग जानते ही हैं। और क्या बताएं, कहते हैं ना, जब मैं गांव में थी तो भैया दिल्ली में रहते थे, छोटा वाला भाई रहता था, उसको मैं राखी बांध लेती थी। अब की तो ऐसा हो गया है कि दिल्ली में मैं आई, भैया भाभी की उनके बच्चों की सबकी तबीयत ख़राब थी, दवाई से यहाँ पे नहीं ठीक हो रहे थे, तो फिर वो लोग गांव गए। वो लोग गांव गए हैं और फिर बड़े भैया तो चले गए, उनको तो मैं राखी नहीं बांध पाऊँगी। छोटा भाई गांव में है, वो भी नहीं आ पाएगा, उसको भी नहीं। अब की इस साल मैं राखी नहीं बांध पाऊँगी अपने भाइयों को। और मौसी के लड़के हैं, उनको बांधूँगी राखी। दो जने हैं, मतलब मौसी के लड़के दो हैं और उनको बांधूंगी राखी, अपने भाइयों को नहीं बांध पाऊंगी राखी। और ऐसा नहीं है कि कोई बांधने वाला नहीं, भैया तो ससुराल में है, शायद भैया का हाथ खाली ही रहेगा। और भैया तो ससुराल में, उनका हाथ खाली रहेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सालियाँ रहेंगी। छोटा वाला भाई है वो गांव में है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बहुत सारी बहनें होंगी, अपनी नई बड़ी मम्मी की लड़की होंगी, चाची की लड़की, मतलब बहुत सारे लोग होंगे राखी बांधने वाले। छोटे वाले भाई के हाथ तो कलाई खाली नहीं रहेगी, लेकिन बड़े वाले भाई की जो मेरे भैया हैं उनकी हाथ उनका हाथ खाली रहेगा कलाई। तो क्या बताऊँ, पता नहीं कोई मेरे सब्सक्राइबर वहाँ के हैं अभी कि नहीं है, नहीं तो मैं बोल देती मेरे भाई का हाथ खाली है, आप जाके बांध दो राखी। पता नहीं वहाँ के लखीसराय जो गाँव बिहार में पड़ता है, अगर वहाँ का कोई सब्सक्राइबर हो लेडीज़ तो प्लीज़ कॉल करिएगा और मेरे भाई को जाके राखी बांध दीजिएगा, ताकि उनका हाथ का कलाई खाली ना रहे। और सबके भाई राखी बांधेंगे, मेरे बड़े वाले भाई का हाथ खाली रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सवेरे मैं जितना भी रक्षाबंधन का वीडियो आ रहा है मैं देख देख के बहुत अपसेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं। जब ठीक हो जाएंगे, त्यौहार तो हर साल आएगा, लेकिन जब भैया ठीक रहेंगे तभी ना मनाएंगे। तो अभी भी भैया का ही कॉल आ रहा है, आप लोग ऐसे ही बन रही, आप लोग को सुनाती हूँ क्या बोलते हैं। हाँ भैया, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों देखिए, भैया का अभी हम लोग ब्लॉगिंग में नाम ही ले रहे थे कि भैया रक्षाबंधन पे चले गए, तो आप लोगों ने देखा भैया ने कॉल भी कर दिया टाइम पे। भैया की नसीब बहुत तेज है, मैंने याद किया, भैया ने कॉल भी कर दिया। कुछ बोलो। हाँ तो गाड़ी मेरी जा रही है और मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए अब गाड़ी जा रही है, तो क्या किया जाए। मैं तो बहुत दूर हूँ, पास ना होता तो मैं अपनी गाड़ी को जाने नहीं देता। मेरे को बहुत दुख हो रहा है और मैं खेत में लौट लौट के काफी रो रहा हूँ। तो दोस्तों भैया की तबीयत खराब थी तभी भैया यहाँ से गए हैं, और कल रक्षाबंधन है, कल मेरे भैया का हाथ खाली रहेगा। अगर वहाँ पे कोई भी सब्सक्राइबर हो तो प्लीज चले जाइएगा लखीसराय। चलो ठीक है। अरे मत पागल, तबीयत सही रहेगा तो बहुत चीज करेंगे, आखिर आप सबके लिए मैं भी यहाँ आया हूँ ना, किसी लिए आया हूँ। सही बात है दोस्तों, अगर भैया की तबीयत ठीक रहेगी, मैंने आप लोग को पहले ही बोला, भैया से बात करने से पहले ही मैंने आप लोग को ब्लॉगिंग में बताया कि अगर भैया की तबीयत ठीक रहेगी तो त्यौहार तो हर साल मनेगा, अगर तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो त्यौहार मना के क्या फ़ायदा। बस तो आप लोग जल्दी जल्दी दुआ करिए भैया ठीक हो जाएँ, जल्दी से आ जाएँ। और बस चलो ठीक है, बाय, लव यू। ठीक है दोस्तों, अभी भैया का जस्ट मतलब मैं मतलब वीडियो ही बना रही थी तब तक भैया की कॉल भी आ गई,
तो ऐसा नहीं है कि भैया भैया मुझे बहुत मानते हैं, और घर में इकलौती हूँ, दो भाई के बीच में एक अकेली बहन हूँ मैं, तो मानते हैं दोनों भाई, बहुत मानते हैं घर में, मम्मी पापा सभी हमको मानते हैं क्योंकि घर में इकलौती हूँ। बड़ी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई, मुझसे बड़ी थी तब, मेरा शायद जन्म भी नहीं हुआ था तभी वो एक्सपायर हो गई थी। उनका नाम था, क्या नाम था पंजाब बाबा दीदी का, मेरे को ही नहीं याद है, एक नाम बताना। हाँ परमिला। जब मैं नहीं देखी थी तो ये कहाँ से देखेंगे। और मेरी जो बड़ी बहन थी उनका नाम परमिला था, वो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन याद आती है कि मतलब हम भी सोचते हैं कि हमारी भी एक बहन रहती तो अच्छा लगता। फिर जब किसी के घर में देखते ना लड़ाई होता है बहनों में, तो सोचते हैं नहीं ठीक है अकेले हूँ, ठीक है हाँ यहीं पे आ जाओ भैया। और दोस्तों आज चली जा रही है जो कि ये भैया लेने आए हैं, देखिए बैटरी लेके जा रहे हैं भाई, नहीं ठीक है ना, इस वजह से चले गए तो उनकी गाड़ी दूसरा कोई चलाएगा तब तक। और मिस कर रहे हैं भैया को भी, छोटे भाई को भी, सबको मिस कर रहे हैं। तो और मेरे हस्बैंड भी अपनी दीदी को मिस कर रहे हैं, जो कि रेणु दीदी को, अभी उनके पास भी हम लोग फ़ोन लगाएंगे रेणु दीदी के पास, क्योंकि वो भी राखी नहीं बांध पाएंगे अब की बार। और दोस्तों दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा पानी आ रहा था तो उसको जो घर प्लस्टर हुआ था वहाँ पे डाल रहे हैं, जाएगा ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग हैं नहीं वहाँ पे, नहीं तो हम लोग रेणु दीदी के पास गए होते राखी बनवाने, मजाक कर रहे हैं। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, एक ने जो हम लोगों के साथ किया है वो तो हमारे लिए मरी चुकी है, वो तो हमारे लिए कभी भी जिंदा नहीं होगी, अब जिंदा है जिंदा होकर वो हमारे लिए मर चुकी है। और एक इनकी जो सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर रेणु दीदी, उनको हम भी मिस कर रहे हैं, ये भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो बात विचार की अच्छी हैं, घर के मैटर में वो ज़्यादा फालतू नहीं बोलती हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता, वो अपने काम में मस्त रहती हैं, उनके चार बच्चे हैं और भैंस वैंस हैं उसी में वो मस्त रहती हैं, तो उनको भी मिस कर रहे हैं। अभी उनके पास भी फ़ोन लगाएंगे, बात करेंगे उनसे, दीदी से इनकी। और अगर गाँव में होते तो वो आए चाहे ना आए, हम तो ज़रूर जाते उनके यहाँ, अपने हस्बैंड को लेके जाते राखी बनाने। और यहाँ पे देखिए कल शायद मतलब यहाँ पे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे हस्बैंड को भैया बोलती हैं, वो आएंगी राखी बांधने हमारे हस्बैंड को, ताकि मेरे हस्बैंड की राहत कल खाली ना रहे, क्योंकि रेणु दीदी गांव में हैं और हम यहाँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, तो इनकी भी हाथ खाली रहेगी। तो कल आएंगी जो कि मुँह बोली बहन उनको बनाए हुए हैं, हमारे हस्बैंड मुँह बोली बहन बनाए, आप लोग समझ सकते हैं कि एक खून के रिश्ते से बड़ा एक और रिश्ता होता है जिसे हम मुँह बोला बनाते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे मतलब कुछ भी हो, एक मुंह से बोला हुआ जो चीज़ बन जाता है वो भी एक पवित्र रिश्ता होता है। तो कल उनका भी वेट करेंगे, वो भी आएंगी कल, तो आज दिल्ली वाली दीदी आई हो कह रहे हैं हाँ। तो कल जो यहाँ पे उनकी एक मतलब एक सिस्टर नहीं बनी है, वो बोल रही थी कि भैया का हाथ खाली रहेगा, हम आएंगे राखी बांधने, तो कल उनका वेट भी हम करेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी रेणु दीदी से बात करने, जो कि हमारी बड़ी ननद, हमारी जो ननद है उनसे बात करने जा रहे हैं, वो भी बेचारी हमेशा परेशान ही रहती हैं अपने फैमिली में, मतलब हर में दर्द दवाई सब चीज़ में परेशान रहती हैं, सबको मिस कर रहे हैं। और एक और बात कि उनके मतलब रेणु दीदी के मतलब जो हमारी ननद है रेणु दीदी, उनके जो हमारे बड़े वाले सबसे बड़े वाले भैया हैं वही भर सिर्फ घर पे हैं, अगर वो जाएंगी तो सिर्फ उन्हीं भर को राखी बांध पाएंगी, और बाकी के हमारे दोनों मतलब जो दोनों जने जेठ भैया हैं, दोनों जेठ भैया चले गए हैदराबाद और हमारे हस्बैंड दिल्ली में हैं, घर पे एक ही भैया हमारे बचे हैं जो कि जेठ हैं हमारे बड़े भैया, सबसे बड़े भैया बचे हैं घर पे, अगर जाएंगी तो उन्हीं को बांध पाएंगी बेचारी राखी, और बाकी के तीनों भैया बाहर हैं। वैसे तीन लोग घर पे रहते थे, एक भैया बाहर रहते थे, मझले भैया जो बड़े वाले से छोटे वाले भैया हैं वो बाहर रहते थे, उनको हम हर साल राखी नहीं बांध पाती थी, कभी कल बाई चांस रहते थे तभी बांध पाती थी, और वो भैया भी नहीं है घर पे। और जो सबसे बड़े वाले भैया हैं मझले भैया नहीं है, फिर उनसे जो मझले भैया थे वो भी चले गए हैं हैदराबाद आ रहा है दिल्ली में, तीनों भैया बाहर हैं सही है ना दोस्तों, दोनों चीज़ बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली आगे तो सिर्फ हिंदी ही छाटें। तो हमारे जो गांव के लोग हैं भोजपुरी, हम भोजपुरी हिंदी क्योंकि मेरे को आदत है, मैं दोनों भाषा मिला के बोलती हूँ, तो बस ऐसे ही। और प्लीज़ आप लोग भी अपने भाइयों को राखी बांधिए, और अच्छे अच्छे भगवान से आप लोग विशेष करिए कि आप लोग का भी भाई हमेशा खुश रहे और उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए। मैं ज़्यादा बात करूँगी तो रोने लगूँगी दोस्तों, और देखते हैं क्या देखते हैं, कुछ नहीं, तो चलिए बाय बाय।
ये मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ भाइयों के लिए। बाय बाय।